हेलो एंड वेलकम टू ESE स्क्वाड। मेरे ख्याल से काफ़ी देर से हम गायब थे यूट्यूब से, तो इसकी वजह यही थी कि हमारा सेमेस्टर जो थर्ड था वो स्टार्ट हो गया था, और कोर्सेज को थोड़ा सा समझने की वजह से और थोड़े से वही 5 बजे हम फ्री हो रहे थे तकरीबन, और बाद में क्विज़ असाइनमेंट और ये वो सब कुछ, इसकी वजह से फिर हम नहीं आ सके। ज़्यादा टाइम इसको दे नहीं सकते हम, क्योंकि बाद में हमारी अपनी स्टडी भी है और ये सब कुछ भी, तो इसलिए बस थोड़ा सा हम दूर रहे इससे। और अब दोबारा आए हैं क्योंकि अब थोड़ा सा बर्डन कम हो गया मिड की वजह से, और आपको कुछ दिन तक हफीज भाई भी इधर नज़र आएंगे कच अपनी यकियाँ वगैरह लगाते हुए। हाँ अब्दुल्ला भाई तो लगा रहे हैं, वो तो आप सब देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो रह गए, अब आगे चैनल को अब किस तरह लेके चलेंगे, तो वही अब दोबारा हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और अब जो यूनिवर्सिटी ने NUET जो हमारा 1 होता है, टेस्ट 1 होता है, वो अब स्टार्ट कर दिया है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी अब ओपन है, तो जो टेस्ट देना चाहता है वो अब टेस्ट दे सकता है इसका फर्स्ट जो है, तो उसके लिए आप अप्लाई करें। और दूसरा एक जो BE और BS वाला जो मसला था, वो अब तकरीबन रिजॉल्व हो गया, तो जो PEC ने इसको अप्रूवल दे दिया अब यूनिवर्सिटी को कि BSc की डिग्री ऑफर कर सकते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह हम आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं हम थोड़ी देर तक इधर लैपटॉप की स्क्रीन पर, और उस पर हम आपको दिखाएंगे जो एडवर्टाइजमेंट आई है और जो नए डिपार्टमेंट ऐड किए यूनिवर्सिटी ने। तो जी, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम देखते हैं इधर, ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने पोस्ट की थी वो ये है। तो इस पर ये जो हमारी डिपार्टमेंट्स है वो दिए गए हैं, सिविल है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर और BET। जो इस दफ़ा नया आया इसमें डिपार्टमेंट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। जब आप 23 वाले आएंगे तो आपको ये ऑफर होगा। जब हम 21 में आए थे तो हमारी दफ़ा आया था BET जो सिविल इंजीनियर है उसका, और उसके बाद 22 में जो आया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का है, उनका भी अभी फर्स्ट बैच चल रहा है। और जब आप 23 वाले आएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर भी साथ ही ऑफर करेंगे। तो उसके साथ अब देखते हैं हम, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 मार्च है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन सारी जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो उसका भी हम बता देंगे आपको एक वीडियो में किस तरह इसमें अप्लाई करना है। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है ये थोड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जो एलिजिबिलिटी मैच नहीं करती, मगर फिर भी अप्लाई कर रहे होते हैं, बाद में इशू आता है, यूनिवर्सिटी फिर उन्हें छोड़नी पड़ती है। मैट्रिक और FSC में इंजीनियरिंग के लिए 60% मेरिट होता है, और जो CS के हैं या AI के साइंस सब्जेक्ट्स के हैं उनके लिए 50% है मैट्रिक और FSC दोनों में। तो इनके टेस्ट किधर होते हैं, एक तो होता है इधर इस्लामाबाद में, कंप्यूटर बेस्ड होता है जो इनका मेन कैंपस है इस वक्त, और जो दूसरा है कराची में एक होता है, ठीक है, वो पेपर बेस्ड होता है। सिर्फ ये दो ही जगह हैं जहाँ पे इनके तकरीबन जो टेस्ट होते हैं, बाकी मेरे ख्याल से गिलगित में भी है उनका, जिधर टेस्टिंग हो जाते हैं वहाँ पे पेपर बेस्ड होता है इनका। तो बाकी दूसरा जो इसका मामला है वो PEC की रजिस्ट्रेशन वाला है, वो भी था कि उन्हें दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मगर जो PEC की तरफ से उन्हें दी जा रही थी डिग्री वो BE की थी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, मगर अब वो भी इशू रिजॉल्व हो गया, उनका PEC ने रिकग्नाइज कर लिया, अब इनकी डिग्री BSc के इक्वल, तो अब इंटर करेंगे और उनकी डिग्री वो जो दोबारा अपग्रेड वो कर दी जाएगी उधर ही। तो चलें इधर ही ख़त्म करते हैं अपनी इस वीडियो को, और बाकी जो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन के लिए बाकी जो हमारी वीडियोस दी गई हैं चैनल पे उनको देखें, और अगर कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट में लिखते हैं।